भारत और चीन के बीच सीमा पर जारी तनाव के बीच सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने लेह का दौरा किया। उन्होंने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव बरकरार है, स्थिति बहुत ही नाजुक और गंभीर है। वहीं जवानों का मनोबल काफी ऊंचा है और वो हर तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार है। सेना अध्यक्ष ने कहा कि मैंने लेह पहुंचने के बाद विभिन्न स्थानों का दौरा किया, मैंने अधिकारियों जेसीओ की बात की और तैयारियों का जायजा भी लिया। जवानों का मनोबल ऊंचा है और वे सभी चुनौतियों से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार है। घटना थलियाओ क्षेत्र के फैजलापुर रेलवे स्टेशन की है। आनन-फानन में फैजलापुर रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी को रोका गया, इसके बाद रेलवे समेत पुलिस और फरार ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। मालगाड़ी में आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। मौके पर पहुंची हसवा चौक की पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है, जिसके बाद रेलवे अफसरों ने राहत की सांस ली है। कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कथित ड्रग मामले में केंद्रीय अपराध शाखा सीसीबी ने कन्नड़ अभिनेत्री रागिनी द्विवेदी को हिरासत में ले लिया है। इससे पहले सीसीबी ने उनके आवास की तलाशी ली। पुलिस सूत्रों के अनुसार सीसीबी का एक दल सुबह 6 बजे द्विवेदी के आवास पर पहुंचा था। सीसीबी ने बुधवार को अभिनेत्री को नोटिस जारी कर पेश होने के लिए कहा था, लेकिन द्विवेदी ने वकीलों की एक टीम भेजकर सोमवार तक का समय लिया। पुलिस ने इसके बाद अभिनेत्री को निर्देश दिया था कि वह शुक्रवार को उनके समक्ष उपस्थित हो। सीसीबी के सूत्रों ने बताया कि अभिनेत्री आज अधिकारियों के समक्ष पेश होंगी। 2 महीने सख्त निगरानी के बावजूद अचानक से दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीज बढ़ने के बाद केंद्र ने एक बार फिर कमान संभाल ली है। गृह मंत्रालय के साथ मिलकर ICMR और स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों की बैठकें शुरू हो चुकी है। वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ भी बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। भारत सरकार द्वारा चीन के 118 और एप्स को बैन करने के बाद भी शी जिनपिंग सरकार परेशान है। मुश्किल वक्त में उससे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, भारत में योग और आमिर खान की फिल्म दंगल याद आ रहे हैं। चीन के विदेश मंत्रालय की माने तो भारत में अमेरिका के इशारे पर एप्स बंद किए गए हैं। चीन ने कहा, भारत से हमारे रिश्ते 1000 साल पुराने हैं और दोनों देशों के नागरिकों को करीब आने का मौका देना चाहिए। इंडियन प्रीमियर लीग IPL का शेड्यूल शुक्रवार को जारी कर दिया गया है। यह बात गुरुवार को BCCI के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कही। उन्होंने, हमें समझते हैं कि शेड्यूल आने में देर हो गई है, यह तैयार होने की कगार पर है, यह शुक्रवार तक जारी हो जाना चाहिए। गांगुली ने यह बात न्यूज चैनल के माध्यम से कही। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि IPL का पहला मैच पिछली बार की चैंपियन रही मुंबई इंडियंस का रनर अप रही टीम चेन्नई सुपर किंग्स के बीच 19 सितंबर को खेला जाएगा। इस बीच UAE ने मौजूद BCCI के सीनियर मेडिकल ऑफिसर कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी के दीक्षांत समारोह में बतौर चीफ गेस्ट शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भाव होना चाहिए कि खाकी को सम्मान में कभी झुकने नहीं दूंगा। जितना सम्मान मेरा तिरंगे के प्रति होता है, उतना सम्मान खाकी के प्रति भी होना चाहिए। आज 2018 बैच के IPPS प्रोफेशनल की पासिंग आउट परेड हुई। इस कार्यक्रम में मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। प्रधानमंत्री ने कहा कि पुलिसकर्मी आज कई रोल में देखे जा सकते हैं। देश भर के पुलिसकर्मियों ने कोरोना के वक्त में बहुत अच्छा काम किया। लोगों के मन में पुलिस को लेकर डंडा तूतू मैमे की छवि बन चुकी थी। पुलिस मानवता के काम भी करती रही है, लेकिन जीवन में इसका कलेक्टिव इम्पैक्ट नहीं आया। कोरोना के समय में खाकी वर्दी के लोग गाना गाकर लोगों का उत्साह बढ़ाते देखे गए। फुटपाथ पर लोगों को खाना देते देखे गए। ऐसे में लोगों का पुलिस के प्रति नजरिया बदला है। खाकी का मानवता का आज संगठित स्वरूप में नजर आया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने ट्वीट कर जानकारी दी कि उनको एक कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और उनके संपर्क में रहने वाले लोग अपनी अपनी जांच करवा लें। पूनिया के इस ट्वीट के बाद जोधपुर में भाजपा के पदाधिकारियों व पत्रकारों में खलबली मच गई। पूनिया गुरुवार सुबह ही जोधपुर से जयपुर गए थे और उसके बाद उन्होंने जांच कराई थी। पूनिया बुधवार सुबह से ही सड़क मार्ग से सबसे पहले जोधपुर जिले के फलौदी पहुंचे थे। उन्होंने वहां जोधपुर देहात के पूर्व जिला अध्यक्ष राधाकिशन थानवी के निधन पर उनके परिजनों से मिलकर संवेदना व्यक्त की थी। कोरोना संक्रमित थानवी का जोधपुर एम्स में इलाज के दौरान निधन हो गया था। फलौदी से पूनिया ओसिया तहसील के मांडिया गांव पहुंचकर किसानों के धरने पर तबियत बिगड़ने के दौरान अपनी जान गंवाने वाले युवा किसान नेता पुखराज डोंगियाल के परिजनों को ढांढस बांधा गया था। पुखराज की मृत्यु के पश्चात किए गए सैंपल में कोरोना पॉजिटिव पाया गया था।
राजस्थान सरकार ने जूनियर क्लर्क भर्ती परीक्षा 2018 के खाली पदों पर भर्ती करने का निर्णय ले लिया है। सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के जारी पदों में कम भर्ती होने के कारण ये रिक्त किया गया है। सरकार ने देर रात इससे संबंधित आदेश जारी कर दिए हैं। गौरतलब है कि जूनियर क्लर्क भर्ती परीक्षा 2018 में सामान्य एवं ओबीसी वर्ग के पदों पर भर्ती होने से रह गए हैं। अभ्यर्थियों द्वारा कुछ समय पहले मुख्यमंत्री गहलोत को ज्ञापन देकर भर्ती के लिए निवेदन किया गया था। मुख्यमंत्री द्वारा जूनियर क्लर्क भर्ती परीक्षा में दिव्यागंज के 157 पदों पर भर्ती करने का निर्णय लिया गया था। लॉकडाउन का सबसे गहरा असर असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों पर पड़ा है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लॉकडाउन लागू होने के बाद न्यूनतम 52% मजदूरों को मार्च, अप्रैल और मई में कम से कम एक महीने का वेतन नहीं मिला है। मजदूरों की आमदनी प्री लॉकडाउन पीरियड की तुलना से भी आधी कम कर दी गई है। श्रमिक संगठनों का आरोप है कि लॉकडाउन घोषित होते ही कंपनी और ठेकेदारों ने अपने गैर पंजीकृत मजदूरों को बिल्कुल भी पैसा नहीं दिया। केवल पंजीकृत 35% मजदूरों को ही मार्च महीने का वेतन मिल पाया, जबकि अप्रैल और मई के दौरान इनमें से किसी भी भारी संख्या में मजदूरों को कोई आर्थिक सहायता नहीं मिल पाई। मजदूरों के वेतन की मांग को लेकर श्रमिक संगठन 23 सितम्बर को देशव्यापी प्रदर्शन करेंगे। फिलहाल खबरों में बस इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए वीएमआर भारत टीवी। नमस्कार।